सो so सुगैज़ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ मैंने वन मिलियन कंप्लीट कर लिया है ये कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है या फॉलोअर्स नहीं है ये रोकड़ा है रोकड़ा और ये सच बात है एंड मैंने चार महीने पहले एक कंपनी ज्वाइन की थी एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था जहाँ पे मैंने ऑनलाइन अर्निंग सीखना स्टार्ट किया चार पाँच महीने हो गए आई थिंक है ना और चार महीने से कमाना स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छे से मुझे वहाँ पर सपोर्ट मिला एंड uh, वहाँ पे मैंने सीखा बहुत बेहतरीन तरीके से वही चार महीने से मैं आप सबको भी वही चीज़ बताता हूँ एंड डेली बताता हूँ सो दैट आपका भी अच्छे से कुछ भला हो एंड मैं आपको सच बताना चाहता हूँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा ना कि लाइफ में आपको कभी पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी, हो mm -hmm. भी हो सकता है आप ऐसे सोचोगे क्या ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी होता है ये भी होता है वो भी होता है और वो भी सही तरीके से बट हाँ इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ना ही कोई इसमें वो है कि भाई मस्त बैठो ऐसे हाँ। और पैसे बरसेंगे ऊपर से ऐसा अगर सोचते हो ना तो मत करिए मैसेज क्योंकि वो काम नहीं है आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफी अच्छे से तरीके से तब जाके रिजल्ट निकलता है ठीक है जी मेहनत के बिना पैसा हराम है हलाल कमाना है तो मेहनत करो नहीं तो छोड़ दो जॉब करो वही ठीक है आपके लिए करना चाहते हो मेहनत मैसेज करिए और आगे बढ़िए so आज you. का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आयतुल कुर्सी के बारे में है ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आयत माइंड ब्लोइंग मैकल्स एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है कि हाँ. भाई जब भी बाहर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ के जाओ बाहर और जब भी सो आयतुल कुर्सी पढ़ के सो और उसके साथ साथ अगर कभी कोई जिन्न देख लो तो आयतुल कुर्सी पढ़ो और तो उससे जिन भी भाग जाता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने इसका तर्जुमा भी सुना था जब हमने कुरान क्लास कर रहे थे उस टाइम पे बकरा का तो उस टाइम पे हमने इसका तर्जुमा भी सुना था तो ये देखते हैं कि इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या जानने मिलेगा आयतुल तो कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है इस आयत में अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बादशाहत का ज़िक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है अपनी इसी खसूसियत के आयतुल कुर्सी इंसान को ख़तरा और दूसरी बलाओं से महफूज़ रखने के लिए मौसर है आयतुल कुर्सी के नौ हिस्से हैं मगर इन नौ हिस्सों को अल्लाह ने बहुत हम आहंगी से बनाया है इस आयत के तमाम नौ हिस्से इकरार और नफ़ी पर मुश्तमिल हैं याद रहे कि इनमें नफी का मतलब किसी लफ्ज से इनकार नहीं बल्कि उस लफ्ज में मौजूद बातों का इनकार है इकरार का मतलब किसी चीज या बात को मानना और तस्लीम करना जबकि नफी का मतलब उस बात या चीज से इनकार करना जैसे कि पहली आयत में नफ़ी की बात इस तरह की गई कि अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं यानी अल्लाह अपने सिवा किसी और खुदा की नफ़ी कर रहा है फिर फरमाया गया कि वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है यहाँ इकरार किया गया है कि उसकी जात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और बाकी सब कुछ फना हो जाएगा इकरार और नफ़ी का ये मुनफरद तसलसल इस पूरी आयत में देखने को मिलता है जैसे कि इसके दूसरे हिस्से में नफी का जिक्र है कि ना उसको ऊंग आती है और ना नींद पे इकरार का जिक्र है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है फिर जिक्र है कि कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके ये नफी है जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है ये इकरार है और वो उसकी मालूम में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ जिस कदर वो चाहता है इसमें नफी की गई कि अल्लाह के सिवा किसी को हासिल नहीं उसकी बादशाही और इलम आसमान और जमीन सब पर हावी है यहां इकरार किया गया है अल्लाह की बादशाहत का और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुशवार नहीं यहां नफी है वो बड़ा आलिया मरतबा और जलीलुल कदर है इस आखिरी जुमले में इकरार है कि वही सबसे बड़ा है अब इसी आयत में एक और गहरा राज भी पोशीदा है जिसे अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि अल्फाज और हरूफ का ये जबरदस्त मिलाप वाकई कुरान का असल हुसन है आयतुल कुर्सी के पहले जुमले में हम अल्लाह के दो सिफात को देख सकते हैं यानी जिंदा और हमेशा रहने वाला अब इस आयत के आखिरी जुमले में भी अल्लाह के दो सिफात बयान किए गए हैं यानी आलिया मर्तबा और जलील कदर फिर इस आयत के दूसरे और आठवें हिस्से को अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों में अल्लाह के बारे में एक ही बात बयान की गई है कि वो किसी किस्म की तकावट से पाक है जब अल्लाह किसी चीज़ की हिफाजत करता है तो उसे ना नींद आती है और ना ऊंग और जमीन आसमान की निगरानी भी अल्लाह को तकाती नहीं है इस आयत के तीसरे और सातवें हिस्से को देखने से मालूम होता है कि ये आपस में मिलते जुलते हैं इन हिस्सों में अल्लाह इंसान को बावर कराता है कि वो ना सिर्फ जमीनों आसमान का मालिक है बल्कि तमाम कायनत में पैली हुई हर शे का बादशाह भी है इस चौथे और चटे हिस्से में अल्लाह इंसान को उसके कमजोर और अल्लाह के मोहताज होने की याद दहानी कराता है और फिर कहता है कि सिवाय उस इंसान के जिसे अल्लाह खुद ताकत अता कर दे अब पहला और आखिरी दूसरा और आठवां तीसरा और सातवां चौथा और छठा हिस्सा एक दूसरे से मुंसलिक है लेकिन पांचवें हिस्से में क्या है अब सबसे हैरानकुन और जबरदस्त बात इस आयत का दरमियाना और पांचवा हिस्सा है इसमें अल्लाह इंसान को बताता है कि वो जानता है कि इस आयत में उसने पहले क्या बयान किया है और बाद में क्या बयान किया है अब गौर करें कि कौन ऐसी बातें बता रहा है बेशक अल्लाह और जिस तरह अल्लाह इन तमाम बातों को बयान कर रहा है तो ऐसी जबरदस्त वजाहत अल्लाह के सिवा कोई और नहीं कर सकता जो इस बात का भी सबूत है कि कुरान लिखे हुए अल्फाज नहीं बल्कि यह अल्लाह का कलाम है जिसमें हर एक हर्फ अल्लाह ने फरमाया है अभी इब्ने इबनकाब रज़ी तला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्ला में सबसे अजीम आयत कौन सी है तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल आलिहि वसल्लम को ही ज्यादा इलम है ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो कुर्सी है अबू हरेरा रज बयान करते हैं कि रसूल करीम सलम ने फरमाया अल बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान की तमाम आयात की सरदार है वो जिस घर में भी पड़ी जाए उससे शैतान निकल बागता है वो आयतुलकरसी है एक और हदीस पाक में नबी करीम सलम ने फरमाया जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुलकरसी पढ़ी उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है सही बुखारी की रिवायत से ये बात भी साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे हजरत अली का इरशाद है कि आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहां से भाग जाता है और तीन दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और चालीस दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता हजरत ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतल फरमाते हैं कि फतावा जहरिया में तहरीर है कि हजूर सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला सत्तर हजार मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसके मफरत की दुआ करते रहो और जो शख्स आयतुल आयतुलकरसी पढ़कर घर में दाखिल होगा तो उसके घर से अल्लाह ताला मुफलसी को दूर फरमा देगा खाले के कायनात ने अपनी तख्लीक करदा हर जानदार और बेजान हती के अपने कलाम को भी अल्फाज के तवाजन और तनासुब का हुसन बख्शा है कुरने पाक की तिलावत में लुफ्फ है इसके पीछे अल्फाज और आयात में तोन और तनासब है यही वजह थी कि जब कुफार जो कुरान को इंसान का कलाम कहते थे उनको चैलेंज दिया गया कि अगर तुम शक में हो तो मेरे बंदे पर नाज़ल शुदा किताब के बारे में तो इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ हाँ। और अल्लाह के सिवा जो कोई तुम्हारे मददगार है उन्हें भी बुला लो अल्लाह हम सब को कुरान की हर आयत को पढ़ने और समझने की तोफ़ी अता फ़रमाएं दिस वॉज अ रियाक्शन ऑन आयतुलकरसी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे बिल्कुल नहीं पता था जैसे उन्होंने फ़र्स्ट एंड लास्ट आयत फिर उसके बाद सेकेंड वाली फिर लास्ट सेकेंड वाली फिर उसके बाद सारी चीज सारी आयतों का जैसे कॉम्बिनेशन बताया और उसके बाद जो बीच की जो आयत थी वो बीच की आयत का भी कॉम्बिनेशन मतलब वो भी बताया कि उसका मतलब एंड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया सच में एंड आई होप बहुत सारे लोगों को यह आज नई चीज़ पता चली होगी अगर आपको पहले से पता थी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर आपको आज पता चली है ये वीडियो देखने की वजह से तो भी ज़रूर बताइएगा और ऑरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो so दैट आप जाके ज़रूर देख पाएँ एंड वहाँ से भी आप दोबारा देख के अच्छे समझ पाएँ उसको तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय टेक केयर सी यू